भाई साहब मैं बता रहा हूँ ना, गाड़ी को देख के इतने लोग पहचान जाते हैं। अभी देखो, पहले इन भाई ने रोका, देखते देखते एक और भाई आ गए, ये भाई आ गए, फिर ये अंकल जी भी आ गए। यार आप लोगों से ना मुझे एक सीरियस हेल्प चाहिए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस बार हेल्प कर देना। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिंद्रा के अंदर। भाई अब हमने जिम्मेवारी ले ली है भाई की गाड़ी की, बिल्कुल जैसी लेके गए थे वैसी बना के देंगे। चलो जी, सर्विस सेंटर के अंदर आ चुकी है। अब आपको मैं एक बार सारा काम बता दूंगी, क्या क्या होने वाला है अपनी गाड़ी में। वैसे तो यार ये डिक्की इनके तो किसी काम की नहीं है, क्या कहते हो, इसे घर ले जाएगा एज अ याद की तरह की। हाँ, ईरान में ये गाड़ी ठुकी थी। और वो है 20 नवंबर 2023 मंडे को दोपहर के 2 बजे आपको यहाँ पे पहुँचना है। 2 बजे से 5 बजे तक पूरा मीटअप और फ्लैग ऑफ इवेंट होगा। ये देखो जी, ये देखो, फाइनली एप्पल कार प्ले चल गया अपनी गाड़ी में, वो भी वायरलेस वाला। बल्लिया मत गिरा देना, सर पे ही आके बजेगा सब कुछ। ये ब्रूनो के लिए लगा रखा ताकि ऊपर छत पे ना चला जाए, क्योंकि छत की ऐसी दीवारें नहीं है ना, तो कोई कूद पास जाए कोई भरोसा नहीं। भैया ऊपर जा रहे हैं, मम्मी ने देखा नहीं अभी, क्योंकि हमारी ये फ्लोर का लेंटर डल गया है, जिसकी वजह से सीढ़ियां भी बना दी गई है ताकि छत पे जा सके। चलो एक एक करके चढ़ो, पहले तुम जाओ ऊपर। नहीं टूटेगा, कल मैं अभी यही पूछ रहा था, टूटेगा तो नहीं। साइड साइड से नहीं, बीच बीच से चलो, साइड में तो वो टूटने के चांसेस है अभी, क्योंकि ना सरिया नहीं बंधा। सरिया बंध जाएगा फिर तो मजबूत हो जाएगा पूरा। है? इतनी सी सीढ़ियों में? चलो चलो मम्मी, अभी तो जवानी हो तुम, 55 साल 56 साल के हुए हो है, 65-70 साल में आता है बुढ़ापा इंसान का। ये है जी हमारा पूरा घर की नवी छत। अभी एक कमरा बस यहाँ और बनेगा छत पे, जो मैं एज अ स्टूडियो या फिर स्पेयर रूम रखूंगा, बाकी तो छत ही है। इतनी बड़ी छत है, और कितनी छत चाहिए तुम्हें? इतनी बड़ी छत है देखना, अब पतंग वतंग उड़ाने का मजा आएगा, क्योंकि हमारा घर ना पहले बहुत डाउन था, तो पतंग उड़ा ही नहीं पाते थे छत से, और सारे घर इतने ऊंचे ऊंचे थे। ये देख लो, या ये वाला देख लो, हाँ यहाँ से बढ़ेगा। अब इसके ऊपर एक छत बनेगी ना इस कमरे के, तो वहां से पतंग उड़ाया करूंगा एकदम ऊंची ऊंची हुए हुए, मजा आएगा अगले साल उड़ाने का। अभी तो मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, अगले साल यही होऊंगा तीज पे और 15 अगस्त पे, तब उड़ाऊंगा। अभी तो देखो ये कितना होच पोच लग रहा है, बट जब ये पूरा लेंटर खुल जाएगा ना भाई साहब, इतनी ह्यूज जगह बनेगी, वो भी 13 फीट की हाइट पे। पीछे अपना थिएटर, ये बीच में लॉबी होगी, ऐसी एक सोफा ओफा लगा देंगे, और बेडरूम तो होए 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 मम्मी है, आलीशान बनने वाला है खतरा। चलो जी रेडी शेडी होके जा रहे हैं, अपने भाई आ रहे हैं मास्टर बटर चैनल से, आप जानते ही हो, मैंने पहले भी मिलवाए ही है उनको, लेना भाई अपनी स्कॉर्पियन का एक रिव्यू। तो अभी मैं ना ट्रिप से जाने से पहले जितने भी लोगों ने इंटरव्यू के लिए, पॉडकास्ट के लिए और कार रिव्यू के लिए बोला हुआ था ना, सबको बोल दिया भाई, क्योंकि कंटेंट भी ऐसा यूनिक है, प्लस मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा अगली ट्रिप जो जा रहा हूं मैं। अरे ब्रूनो बस, क्योंकि यार देखो होता क्या है ना, जितने चैनल्स पे हमारी गाड़ी दिखेगी उतना ही अपना नेक्स्ट ट्रिप का प्रमोशन होगा, मतलब ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि ऐसे ऐसे कोई बंदा है जो स्कॉर्पियन को लेके इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो लोग उतना ही मेरे चैनल पे भी देखने आएंगे जो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो इसे कहते हैं भाई कोलैबोरेशन, बाकी ये तो इसे तो गाड़ी कहते हैं हमारी। पहले निकाल ही लूं बाहर, चलो होए होए यार यहां तो पेंट कैसी तैसी हो जाएगी। चलो कोई नहीं, खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर काम नहीं कर रहा, इससे खोलनी पड़ी। ओ भाई साहब चलो, ये क्रेटा हमारे साथ वाले पड़ोसियों की है, उन्होंने भी यहां खड़ी कर रखी है। भाई साहब गाड़ी में बैठ के ना एक अलग लेवल की फीलिंग आती है, और सारी मेमोरीज ना याद आ जाती है लंदन रोड ट्रिप की। अब तो खैर याद आए करेगी ऑस्ट्रेलिया ट्रिप, पहले पूरी तो वो है ना, पर धमाकेदार करेंगे भाई ट्रिप। बहुत ज्यादा ना प्लॉट ऊपर खाबड़ है, मैंने कहा था भाई को कि ये घास वास कटवा दे अपना, जरा सही हो जाए। लो जी ग्राउंड में पहुंच गए हैं, अपने सब्सक्राइबर भी हैं, मैंने कहा ग्राउंड में ही बुला लेता हूं भाई, क्योंकि वेट कर रहे हैं काफी टाइम से। कैसे हो? मैं तो ही देख रहा हूं यार, इतने टाइम बाद अपनी गाड़ी देख के मजेदार लग रही है। अरे क्यों नहीं यार? आपने तो रैप के साथ देखी नहीं थी पहले ना, बिना रैप के ही देखी थी। तो यार सही लगी वीडियो? बढ़िया बढ़िया, ले लो आज फोटो ले लो भाई, लग रहा है शूट नहीं हो पाया, बहुत सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं अपने। कैसे? बढ़िया, ले लो फोटो ले लो, आ जाओ एक भाई, आ जाओ जी, आ जाओ कोई नहीं। चलो जी गाड़ी का रिव्यू हो गया है, जोकी के भाई के चैनल किस पे? भाई मेरी गर्ल चैनल पे, तो चैनल इन्फॉर्मेशन मेरी तो ऐसा लग रहा है भाई ने बातें बता के ना मेरे दिमाग में दर्द सा हो गया यार, इतने स्टेट्स का सब कुछ याद रखना, ये कोई मतलब भाई स्टडी की रिसर्च करी होगी प्रॉपर? चलते चलते याद, मैंने वही बोल रहा था भाई को कि इस ट्रिप के बाद ना नक्शा रट गया कि किस देश से किस कौन सा देश कितने किलोमीटर दूर। पर भाई इनको ना एक चीज जरूर बोलना, अनमोल गराज चैनल पे जरा रिव्यूज भी आके करूंगा, अभी तो नहीं, अब 4 महीने फिर गायब होना है तो फिर क्या करेंगे? अब चल गया एक चैनल तो क्या कर सकते हैं गाइस, चलने की नहीं यार, चलता तो पहले
भी था इंडियन मैक पर, फिर भी शौक था इसलिए नए नए चैनल। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई है, ज्यादा आ गई है, ऑडियंस बढ़ती है ना ऑडियंस को। बिल्कुल चलो फिर एक रील भी बना रहे हैं, वो भी चैनल पे और इंस्टा पे भी, वो इंस्टा पे भाई। चलो भाई साहब मैं बता रहा हूँ ना, गाड़ी को देख के इतने लोग पहचान जाते हैं। अभी देखो पहले इन भाई ने रोका, देखते देखते एक और भाई आ गए, ये भाई आ गए, फिर अंकल जी भी आ गए। सब देख रहे हो वीडियो पूरी, बढ़िया लग रही है। चलो ठीक है जी, ओके मिलते हैं जल्दी। भाई देखो नो डाउट इतना प्यार मिलता है ना बहुत अच्छा लगता है, बट कभी कभी एक्चुअल में इंसान कहीं के लिए लेट हो रहा हो और इतने सारे लोग मिल जाए, अब ऑब्वियसली सबको फोटो खिंचवानी होती है और मैं मना तो करूंगा नहीं भाई, फोटो खिंचवाऊंगा ही, तो वो टाइम एक्स्ट्रा जो लग जाता है ना, तो अगला बंदा वेट करता है फिर जो जिसको टाइम दे रखा है, तो वो ये ऑफिस जाना है मुझे फटाफट से पहले, बट अब इतना लेट हो गया यहाँ पे क्योंकि एक भाई के लिए रुका, उतरा फोटो खिंचवाई, उतने में दूसरे भाई आ गए, फिर तीसरे भाई आ गए, करते करते 15-20 लोग इकट्ठे हो गए एक साथ, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट कोई नहीं, आप लोगों का भी है कि हाँ भाई से मिल रहे हैं तो फोटो तो होनी चाहिए ना, तो इसलिए मैं फोटो के लिए मना नहीं करता कभी, मैंने कहा कोई नहीं खींच लो भाई, थोड़ा लेट हो जाएंगे कोई बात नहीं, पर सबको खुश करके ही भेजना। नए वाले घर आया हूँ भाई, क्या स्टेटस चल रहा है यहाँ काम का जरा देखे, क्योंकि जाने से पहले ट्रिप पे भैया इसको भी समेट के जाना है ताकि सब लोग शिफ्ट हो सके, हालांकि काम तो अभी बहुत बचा है, पेंट होना है, फॉल सीलिंग एसी लगने है, कारपेट बिछनी है, स्विच बोर्ड वगैरह भी। बिजली वाले आप हो भैया, कर लो पूछो कुछ पूछना है। चलो जी चलो फाइनली वापस ले आया हूँ, शाम के 4 बज गए, बहुत तेज भूख लग रही है भाई। बेचारी स्कॉर्पियन जब से वापिस आई है घर पे जा ही नहीं पाई, क्योंकि अभी भी सीमेंट के कट्टे इतने पड़े हैं, पार्किंग पूरी ब्लॉक हो रखी है हमारी, तो यही प्लॉट में लगाना पड़ता है। पूरे कल इतने सारे भाई कपड़े खरीद के लाया था, जिसमें से एक जैकेट मैंने अभी पहनी थी, और काफी गर्म कपड़े भी है क्योंकि ट्रिप में जब हम चाइना होते हुए जाएंगे ना तो तिब्बत पड़ेगा बीच में, और वहां पे भाई -10 डिग्री टेम्परेचर भी होगा कुछ कुछ जगहों पे, चिल्लियां निकलेगी रस्ते में और स्नो भी मिलेगी, तो अपनी स्कॉर्पियन के लिए स्नो चेन्स भी लेनी है, जो शायद इस ब्लॉग में अगले ब्लॉग में आप देखोगे। यार आप लोगों से ना मुझे एक सीरियस हेल्प चाहिए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस बार हेल्प कर देना। फेसबुक पे ना एक ये पेज है अनमोल जायसवाल इंडियन बैकपैकर के नाम से, सब कुछ इस भाई ने मेरा लगा रखा है, 54,000 कर लिए भाई सब फॉलोअर, और जो भी व्लॉग मैं डालता हूँ ना यूट्यूब पे उसको ये उठा के यूट्यूब पे इस पे फेसबुक पे डाल देता है, और कई वीडियोस पे भाई मिलियन पे व्यूज आए हुए हैं, और इस भाई को मैंने इतनी बार ईमेल करा, इतनी बार मैसेज किया, बट ये भाई रिवर्ट नहीं कर रहा है, तो प्लीज मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे जाके क्लिक करो, फेसबुक पे प्रोफाइल पे जाके इस तरह से 3 एरो पे करना क्लिक, और यहाँ पर आपको मिलेगा भाई रिपोर्ट प्रोफाइल का ऑप्शन, इसके बाद ये प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग पे क्लिक करके मी कर देना, ठीक है, या सेलिब्रिटी कर देना और नाम लिख देना, मी पे कर देना सीधा, तो फेसबुक के पास इतनी सारी नोटिफिकेशन जाएगी ना कि हाँ ये बंदा फेक है, तो इसके पेज को टेक डाउन कर दिया जाएगा, और ये मेरा पेज नहीं है, क्योंकि यही लोग है ऐसे जो ना दूसरों से मेरे नाम पे पैसे मांगते हैं, 5,000 रुपए दे दो, 10,000 रुपए दे दो। अब 54,000 फॉलोअर है इस बंदे के, तो लोग ना झांसे में आ जाते हैं कि ये सच में मैं ही हूँ, और इनको पैसे भी दे देते हैं। अब आप खुद सोचो भाई मुझे 5,000 रुपए की क्या जरूरत पड़ेगी, और होगी तो मैं अपने ऑफिशियल अकाउंट से ही मांगूंगा ना, कभी ऐसे क्यों मांगूंगा। अब फेसबुक पे मैंने शुरू से ही कभी भी प्रोफाइल बनाई नहीं थी, इसलिए मैंने अब प्रॉपर अपना पेज बना दिया है इंडियन बैकपैकर के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक दे दूंगा, कंफ्यूज मत होना। ये वाला है अनमोल जायसवाल इंडियन बैकपैकर, जिसे रिपोर्ट करना है, और जो मेरा ओरिजिनल पेज है वो ये है इंडियन बैकपैकर, जिसमें अभी सिर्फ 10 फॉलोअर्स है, बट जब तक आप वीडियो देखोगे बढ़ चुके होंगे, तो प्लीज इसे फॉलो कर लेना। ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप की भी वीडियोस आएंगी, लंदन की भी सारी डाल रखी है इसमें, और एक्चुअल में अभी मैं कुछ टाइम के लिए क्या करूंगा, अगले 15-20 दिन या एक महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी वीडियोस है ना यूट्यूब पे जो आती है, वो मैं यूट्यूब से एक दिन पहले या फिर 15-12 घंटे पहले फेसबुक पे डालूंगा, तो जो भी लोग यूट्यूब से पहले देखना चाहते हैं वीडियोस मेरे पेज को फॉलो कर लेना, वहां पर आपको तड़कता भड़कता कंटेंट सबसे पहले देखने को मिलेगा। और इस भाई के पेज को जरा फटाफट से ना मार दो भैया रिपोर्ट, ताकि ये गायब हो, और एक्चुअल जो मेरा पेज है उसी में हम प्रॉपर पोस्टिंग करते रहे वीडियोस की, ठीक है। थैंक यू सो मच पहले ही, आप में से अगर 2-3 हज़ार लोग भी चले गए ना तो मेरा काम हो जाएगा उसके लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, चलो जी चलो फाइनली वो दिन आ गया है जिसका 4-5 महीने से इंतजार था, कि ये जो डेंट पड़ा हुआ इतना बड़ा, ये पूरा का पूरा रिपेयर हो जाए भाई, जो डिक्की है इसकी वो चेंज होगी, लाइट वाइट चेंज होगी, नीचे का बम्पर चेंज होगा, और भी बहुत सारी चेंजेस आने हैं, एंड स्पेशली भाई एप्पल कार प्ले आएगा जिसमें इसकी अपडेट हो जाएगी ना, जब फिर मजा आएगा देखना ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप के लिए। चलो अभी जा रहा हूँ मैं सीधा महिंद्रा के सर्विस सेंटर, जो कि है डीएम महिंद्रा सेक्टर 56। सबसे पहले सोहन को पिक करना है, उसके बाद विक्रम भैया को पिक करना है, देन हम तीनों लोग जाके सर्विस सेंटर पे ऐसे हमला बोल देंगे, बट करवा के आज में लानी है भाई गाड़ी, वहां पे छोड़नी नहीं है एक दिन के लिए, क्योंकि टाइम अपने पास ना बहुत कम बचा है ट्रिप के लिए, तो इसलिए खड़े होके वहीं पे हाथों हाथ करवाना है काम सारा। आइए जी आइए, खोलिए खोलिए, बैठिए पधारिए, जल्दी जल्दी चलिए, लेट्स गो। नई नई लगती है बाबू, 4 देश घूम के आइए, नई नई नहीं लगेगी क्या? 4 देश करो 30 देश।
एक एंड्रॉइड और एक आईफोन होता था, बट अब दोनों में आईफोन रखता हूँ। तो दिक्कत क्या है ना, लंदन ट्रिप में भी मुझे मैप ना ऐसे चला के ले जाने पड़ते थे हाथ में पकड़ के या विंडशील्ड मतलब आगे लगा के। बट अब एक बार एप्पल कारप्ले डल जाएगा तो फिर मस्त है भैया, स्क्रीन पे देखा करेंगे। और एंड्रॉइड के लिए तो था इसमें एंड्रॉइड पे जो कारप्ले आता है क्या कहते हैं एंड्रॉइड ऑटो, बट मेरे पास एंड्रॉइड फोन ही नहीं है अब, तो इसलिए एप्पल कारप्ले महिंद्रा ने दे दिया। थैंक यू सो मच उसके लिए, बस आज अपडेट हो जाए अपने और गाड़ी में मिल जाए। और सर्विस सेंटर ना सेक्टर 56 नहीं सेक्टर 61 में था, मैंने गलत बोल दिया था। बस यहाँ से 11 मिनट कर लेंगे। चलो जी सर्विस सेंटर पहुंच गए, गाड़ी विक्रम भाई अभी आ रहे हैं 10 मिनट में। भैया जॉब कार्ड जो है वो ओपन कर रहे हैं, सारा काम बताना है भैया को जो जो चेंज होना है और जो जो दिक्कत है गाड़ी में, ताकि रिजोल्व हो सके। बाकी भैया कैसे हो? बहुत अच्छे अनमोल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है महिंद्रा के अंदर। भाई अब हमने जिम्मेवारी ले लिया भाई की गाड़ी की, बिल्कुल जैसी लेके गए थे वैसी बना के देंगे। बिल्कुल 3000 रुपए लेके गए थे, 20000 प्लस भाई चला के लाए हैं, और बिल्कुल इनकी गाड़ी फिट फॉर बना के देनी है, ये हमारी जिम्मेवारी। थैंक यू सो मच महिंद्रा 61 की। हाँ जी, थैंक यू सो मच। चलो जी काम करवाते जल्दी जल्दी। चलो जी सर्विस सेंटर के अंदर आ चुकी है, अब आपको मैं एक बार सारा काम बता दूंगी क्या क्या होने वाला है अपनी गाड़ी में। वैसे तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, बट स्टिल जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, हमारी ये गाड़ी ना भाई ईरान में ठुकी थी, पीछे से एक लोहे वाला जो टम्पू टाइप का होता है ना उसका मेटल का बंपर इसमें घुस गया था, जिसकी वजह से ये डेंट आ गया पूरी डिक्की में। और थोड़ा पास से लाऊंगे यहाँ पे, ये देखो ये छेद भी हो गया भाई, और ये छेद इसलिए हुआ क्योंकि वो लोहे का ना पैना बंपर था उस बंदे का। बट भाई महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी की तारीफ करनी पड़ेगी, लोहे का टम्पू आगे से उसका बंपर उखड़ के निकल गया, लेकिन अपना सिर्फ इतना डेंट छेद ही पड़ा। तो अब बेसिकली क्या होगा कि जो जो पार्ट इसमें से हमारे यूज के है वो यूज होंगे, बाकी सारे नए डलेंगे। जैसे कि ये पूरी डिक्की जो है ये नई डलेगी, ये पार्ट हमारा यूज हो जाएगा, ये शीशा हमारा यूज हो जाएगा, इसके अलावा ये चेंज होएगा, ये चेंज होएगा, ये लाइट टूटी थी ये चेंज होगी, ये स्किड प्लेट चेंज होगी, तो ये सारे पार्ट चेंज होने वाले हैं। और ऑलरेडी ना कलर करके मतलब पेंट करके रखे हुए हैं ताकि आज टाइम ना लगे, आज सीधा फिट करना हो। तो बैक में तो यही चेंजेस है भाई, आगे मैं आपको थोड़ा बहुत और दिखा देता हूँ। गाड़ी का जो फुटस्टेप है ना, इसका ये प्लास्टिक का कवर निकल गया है, तो ये कवर भी नया डलेगा। लेफ्ट वाला जो हमारा ORVM है ये भी भाई टूट गया था, और ये इंडिया में ही टूटा था जाने से पहले, तो मैंने सोचा इसका कवर मिलेगा तो कवर, वरना ORVM भी चेंज हो ही जाएगा एक बार में, क्योंकि ना ऑस्ट्रेलिया पे जा रही है गाड़ी, तो भैया बिल्कुल टिच होनी चाहिए, कहीं से भी टूट फूट ना मिले बस गाड़ी में। तो ये ना हमारी टूटी तो नहीं है, बट अंदर से इसके लोग टूट गए होंगे इसलिए ये निकल रहा है बार बार, तो नया ही लगाना पड़ेगा ये पूरा। और इसके वाइपर जो है ये भी ढंग से काम नहीं कर रहे, ब्लेड घिस गए होंगे वहां पे, मच्छर इतने थे ना हमने बहुत यूज करा है भाई वाइपर का, तो ये ब्लेड भी चेंज होंगे ताकि इस ट्रिप में अपने को दिक्कत ना हो। इसके अलावा भाई गाड़ी के चारों ही गेट के हमारे लॉक टूटे पड़े हैं, तो ओरिजिनल महिंद्रा के लॉक लगेंगे ताकि ये गत्ते जो है ना बिल्कुल टिच हो जाए, एक भी पॉइंट हिले ना बिल्कुल भी, ठीक है जी। बाकी छोटे मोटे चेंजेस है, जैसे एप्पल कारप्ले की अपडेट आएगी, इसकी थर्ड सर्विस होएगी जिसमें क्या क्या चेंज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, इसके स्टेयरिंग में थोड़ी सी आवाज आती है पार्किंग में जब हम मोड़ते हैं ना, तो वो आवाज का सोल्यूशन देखना है, बाकी एप्पल कारप्ले तो आना ही है अपना। तो ये कुछ चेंजेस है, एक एक करके पहले बॉडी का काम होएगा, फिर सर्विस वाले एरिया में जाएंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है जी। लो जी विक्रम भैया भी आ गए, कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया भाई, आज हो जाएगी टिच गाड़ी पूरी? गाड़ी शाम को वर्कशॉप बंद होने से पहले मतलब बढ़ाने से पहले हम इसको कंप्लीट कर देंगे। चलो ठीक है, वैसे थोड़ा सा लेट हो गए हम, आना था सुबह 9 बजे बट ऑलमोस्ट 10:30 बज गए। ठीक है आप जल्दी जल्दी खिंचवाते हैं। अरे ये कौन टॉफी छोड़ गया? ये ईरान की टॉफी लग रही है। ना ना यहीं की है, चलो साइड में रख देते हैं भाई अंदर ही। जी ये पूरा सर्विस सेंटर है, इधर आप देख सकते हो लाइन से जो है वो सर्विस के लिए गाड़ियां लगी पड़ी है। ये स्कॉर्पियो है ना, XUV 700 है, उधर थार वार भी हो रही है। बट ये वाला जो एरिया ना इधर का, ये है भाई बॉडी शॉप का एरिया, मतलब जितना भी डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है वो यहाँ पे होता है, एंड उसके अंदर जाके पेंट होता है। ये जो कैबिन सा बना रखा है ना, तो अपनी डिक्की ऑलरेडी पेंट हो रखी है, तो मैं आपको पेंट होते हुए तो नहीं दिखा पाऊंगा। ये है जी डिक्की, देख लो। तो ये पूरा का पूरा पैनल जो है वो नया लग रहा है महिंद्रा का, ओरिजिनल बिल्कुल, बस शीशा हमारा लगेगा और ये जो नीचे की थोड़ी बहुत चीजें थी वो हमारी लगेगी। अब देख लो भाई कैसा है ये, हालांकि है तो ग्लॉस ब्लैक, बट अभी रैप होएगा ना अपना ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के लिए, तो ये पूरा मैट ब्लैक हो जाएगा वापस से। मस्त भाई गाड़ी चमक जाएगी नवी नवी एकदम।
जी अपना पीछे वाला बम्पर भी आ गया, इसके साथ स्किड प्लेट नहीं है, वो अलग है, वो मैट ब्लैक करवाना, हो जाएगा मैट ब्लैक? हाँ मैट ब्लैक ही करवाओ, क्योंकि अपनी पूरी गाड़ी भाई मैट ब्लैक है, बट वही सिल्वर कलर का था पीछे स्किड प्लेट, तो वो भी मैट ब्लैक हो जाएगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलो जी बम्पर तो ये तो ब्लैक ही आता है, पेंट करवाया है, मैट ब्लैक ही है ऑलरेडी, मतलब कंपनी से ही ऐसा आ रहा है अभी तो, हालांकि इसमें रैप होना है तो वैसे ही बन जाएगा जैसे अपनी गाड़ी में लगा हुआ है, बट कंपनी से भी मैट ब्लैक ही आया तो सही है ये चीज भाई। चलो अब पूरी ऑल ब्लैक हो जाएगी अपनी गाड़ी, स्किड प्लेट भी पहले भी नहीं करवा रखा ये वाला, हाँ। बम्पर में आता। अच्छा इसको जरूरत ही नहीं पड़ती मैट, ठीक है भाई साहब। स्किड प्लेट भी ना मैट ब्लैक ही आ रही है कंपनी से, ये पेंट करते हैं अलग से सिल्वर कलर, तो हमें तो करवाना ही नहीं है, क्या जरूरत है, यही लगा दो सीधा। चलो भाई पेंट भी, ये भी टाइम बच गया अपना, अब एक क्योंकि इसको सूखने में भी टाइम लगता, अब तो डायरेक्ट ही लग जाएगी ऐसी। ऑलमोस्ट तो सारा सामान उतार दिया है, अब मेन डिक्की उतरना बाकी है, यहाँ से बम्पर भी उतर गया, स्किड प्लेट भी, ये चीज भैया कह रहे हैं ये भी टूट गई है, नया लगेगा ये भी, ये उतर का नया लगेगा, ये भी पूरा नया लगेगा उधर भी। अच्छा ये सही है, ये सही है, ये बिल्कुल ओके हुआ लगा, ये मैंने तो इजाद कराया था इनसे। अच्छा मेरी वाली का टूट गया था, उन्होंने मेरा का जब गाड़ी का बम्पर चेंज करा, जब इनको ध्यान ही नहीं रहा, फिर मैंने बाद में ध्यान दिलाया, मैं यार ये चीज भी होती है, बोला हाँ सर ये चीज भी होती है। तो मतलब ये बम्पर फिट होता है इसमें एक, हाँ इसमें ना जैसे बम्पर यहाँ जुड़ जाता है, ऊपर नट लगते हैं, यहाँ से प्लेन आए तो इसे क्लैंप दी जाती है, एक इधर एक उधर, समझ गया। और इसके अलावा भाई ये इसका डीएफ का टैंक, तो यहाँ से डीएफ भरता है ये पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लीटर, 10 लीटर आता है इसमें, 20 लीटर आता है, 20 लीटर आता है, और लगभग 10,000 किलोमीटर चलता है, है ना, एक सर्विस पूरी निकालता है। तो हम अभी तो एक बार फुल करवा लेंगे तो समझ लो 10,000 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद बचे हुए जो 10,000 किलोमीटर है ना रोड ट्रिप में, उसमें हमें एक जगह तो फिल करवाना पड़ेगा, जैसे हमने लंदन ट्रिप में बीच में करवाया था, 13-14 हज़ार अराउंड, चला लो वो तो पता है, ये ना एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के माइलेज के ऊपर। हाँ अगर आपकी गाड़ी ज्यादा माइलेज दे रही है तो ये 20,000 से ऊपर भी निकाल देता है, और अगर आपकी गाड़ी ने माइलेज 10 से नीचे दी तो 15,000 पे 16,000 पे भी खत्म हो जाएगा। हाँ हो सकता है, वहाँ पे तो हमारी 13-14 दे रही थी, फॉर्च्यूनर में जैसे कैपेसिटी भी 10 लीटर की आती है, ज्यादा की आती थी 10 या 12 लीटर की, इतना ही टैंक है, प्लस माइलेज भी कम है, तो इसीलिए फॉर्च्यूनर का गाड़ियों का ना डीएफ बहुत जल्दी खत्म होता है। समझ गया, चलो ठीक है जी डन है, ये काम भी हो रहा है। ये वर्किंग वेंट है क्या, ये एयर के लिए होता है, जब हम अपनी गाड़ी बंद करते हैं, खिड़की बंद करते हैं, मान लो सारी खिड़कियां बंद है, एक खोली हमने बंद की, वैक्यूम ना अपने गाड़ी के अंदर, तो जब मैं करूंगा वहां से खिड़की बंद कर, जब डिग्गी बंद होगी तो और ज्यादा हवा आएगी इसमें, मतलब अंदर की हवा बाहर फेंक रहा है ना, वैक्यूम ना बने, वैक्यूम ना बने गाड़ी में, इसलिए। चलो भाई फाइनली अपनी जो ग्लास पैनल था वो पूरा का पूरा निकल चुका है, अब जो है डिक्की खोलने का काम होगा, फिर रिप्लेस करके उसमें शीशा चिपका दिया जाएगा। लो जी लो भाई फाइनली डिक्की भी खुल गई है, भाई साहब भारी लग रही है दोनों भैया, चलो 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 साइड रखवा देते हैं, देख रहे हो भाई पूरा रैप वैप कितने देशों में होके आई है ये डिक्की, और आज फाइनली उतर रही है। वैसे तो यार ये डिक्की इनके तो किसी काम की नहीं है, क्या कहते हो इसे घर ले जाएगा एज अ याद की तरह की, हाँ ईरान में ये गाड़ी ठुकी थी और वो है, रैप भी चढ़ा हुआ है, तो ले ही चलते हैं डिक्की में डाल के, आज आपका तो किसी काम की नहीं है ना ये, चलो आते हैं बात करता हूँ, हम ही ले चलेंगे भाई, हम ले जा सकते हैं ना ये, चलो यार इसको घर पे ना याद की तरह रखेंगे, और कभी कुछ गैराज वैराज बनाएंगे ना बड़ा सा, तो इसको दीवार पे हैंग करके कुछ डेकोरेटिव पीस बनवाएंगे इसका, ताकि याद भी रहे, क्योंकि कई लोग कह रहे थे डिक्की चेंज मत करवाओ ऐसी रहने दो आपकी मेमोरी रहेगी, बट गाड़ी अजीब लगती है यार ऐसे टूटी हुई, तो गाड़ी में ना सही अपने घर में रख सकते हैं इसको। तो भाई करोल बाग जब गए थे आगे से स्कॉर्पियन के कपड़े उतार दिए थे, यहाँ महिंद्रा के सर्विस सेंटर में पीछे से कपड़े उतार दिए सारे, बट ये कपड़े उतारना अच्छे के लिए ही हो रहा है, क्योंकि अब इसको नए कपड़े पहनाए जाएंगे, डिजाइन वही रहेगा, ब्रांड न्यू हो जाएगी अपनी गड्डी सब एकदम।
भाई ऑलमोस्ट लग गई है, कस रहे है उसको, तो मैंने कहा टाइम है तो इतना अपना सॉफ्टवेयर अपडेट लगा दो, क्योंकि इसमें भी 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं जब तक पूरा बॉडी का काम होगा, पीछे पीछे सॉफ्टवेयर चलता रहेगा। अब आप सोचोगे भाई सॉफ्टवेयर अपडेट कर कहां से रहे है? तो एक्चुअल में ये लैपटॉप से अपनी पेन ड्राइव में लगा देते हैं सॉफ्टवेयर, और पेन ड्राइव को लगा दिया यहाँ पे, ये देख सैंडिस्क की लगी हुई है ना भाई, ये वो वाले स्लॉट में जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो चलता है वायर वाला, तो यहाँ से अब सॉफ्टवेयर हो रहा है। और यहाँ आप देख सकते हो लिखा भी आ गया है भाई सॉफ्टवेयर पैकेज, तो इसी से आ जाएगा अपना एप्पल कारप्ले। सॉफ्टवेयर अपडेट इसी का ही है ना। हाँ, लैपटॉप तो लगाओगे तो उससे भी होता है, लेकिन मेन क्या है, ये अपना पेन ड्राइव में डाल कर रखा है इन्होंने, सीधा लगाया होगा, लगा रहे हैं वो यहाँ पे मानते हैं, ये अपना एंटर करके चालू कर देते हैं, 1 घंटे तक स्टार्ट रखनी पड़ती है बस गाड़ी। हाँ, तो डीजल वीजल है अपने के कोई दिक्कत नहीं है, इंजन स्टार्ट है क्योंकि मेन है वो है, क्योंकि खाली इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट नहीं कर सकते, बैटरी वीक हो जाएगी। तो चलो होने देते हैं, और फाइनली फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी में प्यारी सी ये छोटी सी जो स्क्रीन है इसमें हम एप्पल कार प्ले देखेंगे। देख लो क्या कर दिया भाई, पानी पानी हो गया मैं तो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लंदन रोड ट्रिप में ना भाई, जब जैसी मुझे पता चला ना कि एप्पल कार प्ले आ गया फाइनली, मेरे भाई इतनी खुशी हुई थी। स्पेशली मैंने एक व्लॉग भी बनाया था वहाँ पे इसी बात पे कि कोसोवो पहुंचते ही 2 गुड न्यूज मिल गई, उसमें से एक गुड न्यूज ये थी और एक थी कि अपने मेन चैनल पे 1 मिलियन हो गए थे जो अनमोल जायसवाल वाला चैनल है। बट फाइनली चलो भाई, अब शुक्र है महिंद्रा का, धन्यवाद दिल से कि एप्पल कार प्ले दे दिया हम गरीबों को स्कॉर्पियो में। तो अंदर तो जी अपना लंच ब्रेक चल रहा है 1 बजे से लेकर 2 बजे तक है, एक से डेढ़ है। तो हम जा रहे भैया इवेंट का फाइनल करने की, जो भी मीटअप इवेंट होने वाला है या फ्लैग ऑफ इवेंट होने वाला है ऑस्ट्रेलिया का, वो कहाँ करा जाए। तो देख रहे लैपर ट्रेल में बनती है बात, किस डेट की क्या टाइम, वो सब आपको आज ही बता दूंगा ताकि आप लोग सब प्रिपेयर रहना उस दिन मिलेंगे। तो हम आ गए हैं यहाँ पे लेपर ट्रेल में, है थ्रोटल शोटल इनका ना ग्राउंड है उधर की तरफ, तो वहाँ पे अपना मीटअप हो जाएगा आराम से। उन्होंने डाली है ना, घर कितना बना अभी। So she's like that. Also all the best, have a safe journey to Australia के लिए। आपको और है ना, अब दोबारा कर रहे हैं अगले महीने 16-17। तो चलो जी भाई, आधा पौना घंटा बैठ के सारा कुछ फाइनल कर लिया है। ये जो आपको ग्राउंड दिख रहा है ना, आपको याद होगा गो मैकेनिक का मीटअप भी रखा था हमने इधर उस पार्किंग में, बट वो वाला ग्राउंड अब यूज होगा। आप लोग जो भी गाड़ियों में बाइकों में आओगे, पार्किंग वहां खड़ी करना, यहाँ से रास्ता निकलेगा और इस दीवार पे जो है अपना बैनर लगा के हम गाड़ी को खड़ा कर देंगे, और यहीं पे ही जो है ये पूरा ग्राउंड आप समझ लो अपनी जनता के लिए, जो लोग भी आप आओगे। डेट रखी हमने मंडे की 20 तारीख को, 20 नवंबर 2023 मंडे को दोपहर के 2 बजे आपको यहाँ पे पहुंचना है। 2 बजे से 5 बजे तक पूरा मीटअप और फ्लैग ऑफ इवेंट होगा, 5 बजे फिर हम चले जाएंगे क्योंकि सर्दी आ गई ना, अंधेरा होने लग जाता है जल्दी। तो लोकेशन जो है वो है भाई लेपर्ड ट्रेल होटल शोटल कैफे। वैसे तो मैं सारी डिटेल आपको दे ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक भी दे दूंगा लोकेशन का, बट वैसे भी आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई नहीं आता, तो आपको अपना ही व्हीकल लेकर आना पड़ेगा, चाहे बस में आओ, चाहे अपना गाड़ी में आओ, बाइक में आओ, स्कूटर में आओ, साइकिल में आओ, पर अपना ही व्हीकल लाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है भैया, फिर है ना तैयारी करते हैं, जैसा भी है फाइनल पूरा, जल्दी आपसे मिलते हैं भाई मंडे को, और होपफुली फिर हम ट्यूजडे को निकल जाएंगे। तो पहले तो 17 या 18 को निकलने का था, बट अब 2-3 दिन डिले हो गया, 20 को इवेंट करके 21 को निकलेंगे हम फाइनली अपनी ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप के लिए। देखो ये है भाई थ्रोटल शोटल लेपर ट्रेल, ये गूगल पे लिखो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी, क्योंकि 2 थ्रोटल शोटल है गुड़गांव में, एक फरीदाबाद रोड पे है, तो वहां नहीं जाना, इस वाले पे आना है जो लेपर ट्रेल में है। चलो जी भाई, निकलने का टाइम हो गया है। एक चीज और भाई, पिछली बार भी काफी यूट्यूबर्स आए थे, तो मैं इस बार भी सबको इनवाइट करूंगा, चाहे आपके 1000 सब्सक्राइबर है चाहे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, आओ यहाँ पर अपनी गाड़ी जो है हमारी उसके साथ वीडियोज बनाओ, रील्स बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, क्योंकि पिछली बार कई भाई ऐसे थे जिनके 2-3 हजार सब्सक्राइबर थे और उन्होंने रील या फिर शॉर्ट्स बनाए ना 8-8 मिलियन व्यूज चले गए थे। तो कंटेंट वाइज भी अपने जितने यूट्यूबर भाई लोग हैं या इंस्टाग्रामर्स हैं, सबके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है भैया, आ जाना। दूसरी गाड़ियां भी आएगी, कई यूट्यूबर्स भी आएंगे बड़े बड़े, उनकी गाड़ियां भी आएगी, तो सबके साथ आप मिलजुल के कंटेंट अच्छे से बना लोगे। लेकिन 20 नवंबर दोपहर को 2 बजे, 2:30 बजे तक भी पहुंच जाना कोई दिक्कत नहीं, 2:30 से 5 कर देंगे। ठीक है जी, चलो हम निकलते हैं। तो जी लो, हम जब तक होके आए सारा इवेंट का फाइनल करके, अपनी डिक्की लग गई है, शीशा चिपका दिया गया है। अभी 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा हम डिक्की खोल नहीं सकते, अगर खोल दिया तो शीशे की जो वो गोंद होती है ना वो निकल जाएगी, तो इसलिए इसको सूखने देते हैं अच्छे से। बट भाई
अपडेट हो चुका है, मेन चीज वो दिखानी है आपको। आ जाओ ये देखो जी, ये देखो फाइनली एप्पल कार प्ले चल गया अपनी गाड़ी में, वो भी वायरलेस वाला। अब अपना म्यूजिक वगैरह जो भी सुनना हो, मैप देखना हो, कॉल्स वगैरह करनी हो, सब कुछ जो है वो वायरलेसली हो सकती है। ये देख रहे हो भाई, महिंद्रा में आ गया है व्हाट्सएप व्हाट्सएप सब कुछ, और ये कनेक्ट है मेरे इस फोन से। देख लो भाई वायरलेसली एप्पल कार प्ले इसमें चल गया, अब रस्ते में कोई दिक्कत नहीं है भाई, मजे आ गए। अब तो ट्रिप पे नक्शे 5G आ रहा है भाई, 5G ऐसी छोटी मोटी बात थोड़ी है। चलो अब बाकी काम खिंचवाते हैं जल्दी जल्दी, ऑलरेडी 4 बज चुके हैं शाम के, क्योंकि और 6:30 बजे तो सर्विस सेंटर बंद हो जाता है ना, और हमें आज में ही सारा काम करना है। वो भाई साहब जो यहाँ पे काम कर रहे थे, वो भैया को काम पसंद नहीं आया, भैया कह रहे तू जा मैं ही कर लूंगा। भैया खुद ही शुरू हो गए। अपना बड़े मजे से नहीं लगा रहा था, जैसे टाइट लगानी चाहिए, पता क्या है वहाँ पे दिक्कत आ गई ना, तो समस्या हो जाएगी। कुछ दिन की ट्रिप हो ना तो दिक्कत नहीं, अब 4 महीने बाहर रहेगी गाड़ी, फिर से दिक्कत है। कनेक्शन हट गया, जैसे तरह ऊपर पिछली बार वैसे वाला नहीं था, उसको रख के जाना पड़ा, तो वही है थोड़ी टेप ना टाइट खड्डो में आ गई, थोड़ी टाइट लगानी चाहिए, बिल्कुल लूज नहीं लगानी, तो बस यही बोला, बाकी गत्ता तो सही पैक कर दिया। अब होपफुली बस टूटे ना इस बार लोग वो इसका कुछ भी, तो बढ़िया रहेगा। दूसरी बार ही में हूं मैं, डैम्पिंग वगैरह थोड़ी सेट करनी पड़ी उसके लिए मेरे को, कटर ले लिया मैंने निकल लेके। आप भी एक एजेंसी ले लो इसकी सर्विस की। नहीं मेरी भाई मेरी मेरी भाइयों के लिए सेवा ऐसे ही थी। हाँ सही बात। काफी हद तक वो जो बॉडी का काम था वो हो गया है, अभी बम्पर का वेट चल रहा है, जैसी बम्पर आ जाएगा फिटिंग कर देंगे। तो साथ ही साथ सर्विस के लिए लगा दिए, क्योंकि अपडेट तो हो ही चुकी है। तो सर्विस में सबसे पहले भाई जो बेसिक सर्विस होती है ना 20,000 किलोमीटर वाली, वो करी जा रही है, जिसमें जितने भी फिल्टर होते हैं वो चेंज होगा, इंजन ऑयल चेंज होगा, इसके अलावा भाई ब्रेक पैड्स भी हम चेंज करवा रहे हैं, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे लगभग 20,000 से 30,000 किलोमीटर के बीच में चलेगी, तो वहां पे तो क्या ही ब्रेक पैड चेंज करवाने, यहाँ से चारों ब्रेक पैड नए डल रहे हैं। और इसके अलावा डिफरेंशियल क्या था भैया, रियर डिफरेंशियल ऑयल भी डाल रहे हैं हम, जो 30,000 किलोमीटर पे चेंज होता है, बट हम 23,000 पे उसे चेंज करवा रहे हैं, ताकि अभी डलवाने के बाद ना सीधा 30,000 किलोमीटर तक छुट्टी हो जाए। तो वो एक एक्स्ट्रा चीज डल रही है, जो अभी तो नहीं डलनी थी, 30,000 पे डलनी थी। तो भाई ये देख लो, ये हमारे क्या है ब्रेक पैड, पास से दिखाओ, आओ ब्रेक पैड दिखाओ, ये रियर ब्रेक पैड है जो घिस चुके हैं, भैया कह रहे 2-3,000 किलोमीटर ही चलेंगे, तो ऑब्वियसली भाई चेंज करवा के जा रहे हैं यहीं से। ये पीछे ना हैंड ब्रेक के साथ ज्यादा यूज होते हैं, इसका जो पिस्टन है ना थोड़ा लेट जाता है निकल के ना, अच्छा इस वजह से ये पीछे वाले ज्यादा घिस। ठीक है, तो हाँ चेंज चारों ही चेंज कर रहे हैं, वैसे तो हम कोई दिक्कत नहीं है। काम चल रहा है अभी आधा एक घंटे का, और पर सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ एक मैगी खाई थी लेफ्ट ट्रेन में, उसके अलावा सोहन और मैं दोनों खाली पेट, विक्रम भाई का आज व्रत है तो उनको खाना नहीं है, तो मैंने कहा इसलिए ऑनलाइन ही बड़ा पाव मंगवा लिए, थोड़ा हेल्दी भी है, मतलब हेल्दी क्या हल्के फुल्के भी और पेट भी भर जाएगा, जल्दी जल्दी खाते हैं, अब नहीं वेट हो रहा, अब ब्लॉगिंग श्लॉगिंग छोड़ो भैया, पेट भर जाए। चलो जी चलो, गाड़ी का काम हो गया है, एक दो चीजें रह गई है, जैसे कि वाइपर लगना है, क्योंकि अभी रैप होना है ना, तो वो वैसे भी खोलते ही है प्लास्टिक वाला पार्ट, तो हमने इसलिए नहीं लगवाया, परसों जब रैप होके आ जाएगी गाड़ी तब लगवाएंगे। इसके अलावा अपना एक स्पेयर टायर हम देकर जा रहे हैं यहाँ पे, उसकी हवा निकल रही है बार बार, तो वो चेक होके फिर रिप्लेस कर देंगे उस वाले टायर से इसको, क्योंकि पहले वो वहीं पे ही था। बस यहाँ पे तो यही काम है महिंद्रा में, वो DF इसका डलना है, क्योंकि अभी 37% दिखा रहा, तो ये भी परसों ही चेंज करवाऊंगा। बाकी सारा काम हो गया भाई, अपना रिपेयरिंग का भी, डेंटिंग का भी, और सर्विसिंग का भी, अपडेट का भी। एंड ये अपनी डिक्की रखवा रहे हैं हम गाड़ी में एज अ सोविनियर,
मस्त घर पे निकाल लूंगा इसको। बाकी ब्रेक पैड वगैरह सारे चेंज हो ही गए हैं ए टू जेड, तो अब इसको निकाल के ले जाने का टाइम है, क्योंकि अभी मुझे इसको लेकर जाना है होस्ट पास, वहाँ पे रैपस्टर जिन्होंने पहले हमारी गाड़ी रैप करी थी, ये आप नाम देख सकते हो, वहीं से ही वापस जो है इस गाड़ी का पूरा रैप चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी तो था नमस्ते लंदन, अब होएगा नमस्ते ऑस्ट्रेलिया, तो पूरा रोड मैप चेंज होएगा, सब कुछ चेंज होगा मस्त एकदम। स्टीयरिंग में से आवाज आ रही थी, चेक कर ली थी, हो गया सही, अब नहीं आएगी पक्का। बस अब इसको गाड़ी को लेके फटाफट से होस्ट पास निकलते हैं, और दो दिन गाड़ी अब हमारे पास नहीं रहेगी, तो टाटा बाय बाय करते हैं आज हम अपनी गाड़ी में। You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on a flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. भाई जी शाउट आउट टू डीएम महिंद्रा, जिन्होंने पूरा गाड़ी का जो भी बॉडी वर्क से रिलेटेड काम था सारा गुडविल में करवा के दिया हमें, थैंक यू सो मच उसके लिए आपका। और दूसरा सबसे बड़ा शुक्रिया विक्रम भैया का भी, सुबह 10 बजे से भैया अभी रात के 8 बज रहे हैं, पूरे दिन साथ में थे, सारे काम करवाए, अभी और भी काम है आगे जो होंगे। इनके व्लॉग में मैंने पहले बोला था कि भैया को जब भी हेल्प के लिए बोलो ना, भैया बिना ना करे कभी भी हमेशा हाँ बोल देते हैं, चाहे मुंबई जाना हो, चाहे यहाँ का काम हो, चाहे गाड़ी से रिलेटेड काम हो, तो भैया को भी थैंक यू सो मच। विक्रम जी ने पिछले 10-12 दिन से पूरा प्रेशर किया, मैंने जितने मैंने फोन नहीं करे यहाँ पे एक बार भी, विक्रम भैया ने 10 बार कर दिया। पिछले 15 दिन पहले डिग्गी पेंट करा रखी है आपकी बात, मैं डिग्गी भाई 12 दिन से पेंट रखी है, और आज भाई मंगलवार का दिन था, हनुमान जी ने पूरा साथ दिया भाई, हनुमान जी ने इनके अंदर ताकत भरी, मेरे अंदर भरी, मैं भरती हूँ मंगलवार का, ठीक है, पर भाई वही है पूरी मतलब ताकत दी भाई भगवान ने हमारे को, और गाड़ी हमने भाई एक दिन में, आपको ये कहना कि भाई महिंद्रा की सर्विस ऐसी है वैसी है, डीलर टू डीलर डिपेंड करता है भाई, आप क्लियरली डीलर टू डीलर डिपेंड करता है, अगर आपके ओनर्स अच्छे हैं और आपका स्टाफ अच्छा है और आपके जो जीएम सर्विस है जैसे जीएम सेल्स होते हैं वो अगर अच्छे है ना भाई, मैं कहता हूँ वो वर्कशॉप चाहे किसी भी कंपनी की हो वो बहुत बढ़िया चलेगी। बिल्कुल, अभी हम फिलहाल सेक्टर 61 वाली में है, डीएम महिंद्रा। हाँ, डीएम महिंद्रा सेक्टर 61 है, 14 वाली इनकी कुछ ज्यादा फेमस है, 61 वाली भाई राहुल भाई ने फेमस करी है, हमारी फेमस विक्रम भाई जी ने और अनमोल भाई जी ने ज्यादा कर रखी है, क्योंकि वीडियो लोग देखते हैं, क्योंकि हमने ही गाड़ी यहाँ से तैयार करके भेजी थी लंदन, और जब आई है हमारा ही फर्ज बनता है भाई ठीक करके देने का। ठीक बात है भाई, और बड़ी खुशी मिल रही है इसमें, गाड़ी रेडी हो गई है अब नेक्स्ट ट्रिप के लिए, अब वापसी में मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया से आके, नहीं अभी तो एक बार और मिलेंगे, एक दो चीजें जो रह गई वाइपर वगैरह वो करवाएंगे, वाइपर है स्टेपनी है छोटा मोटा जो काम बचा है, जब रैप हो कम्प्लीट होके आ जाएगी तब तो भाई आपको दिखाएंगे गाड़ी को। यार सही में ना बैंड बज गई है, और दूसरी बैंड अभी बजने वाली है एडिटिंग में इस ब्लॉग के, क्योंकि इतनी ज्यादा फुटेजेस है, इतनी ज्यादा फुटेजेस है, अभी उसमें से क्या रखना है क्या काटना है वो देखना पड़ेगा सब कुछ, तो हालत खराब होगी। बाकी अब घर मिलता हूँ सीधा भाई, इस पूरी गाड़ी को खाली करना है, डिक्की उतारनी है छत पे से, अभी मतलब डिक्की असल में उतरवाई थी पर छत पे फिर से सेट करवा दी क्योंकि फिट नहीं आ रही थी वो अंदर, तो घर जाके डिक्की उतरवाऊंगा, ये सारा सामान उतरवाऊंगा और खाली गाड़ी करके फिर निकलेंगे होस्ट पास के लिए, हिम्मत तो नहीं है जाने की, बट भाई ट्रिप पे जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। चलो घर मिलते हैं भाई साहब, खतरनाक वाली नींद आ रही है, आंखें नहीं खुल रही, व्लॉग एडिट हो गया है, थोड़ा बहुत रेंडर करना है बट हिम्मत नहीं है, सुबह उठ के करूँगा, अब 9 बजे तो वीडियो आएगी नहीं, लेट आएगी 1:30-2 बजे तक दोपहर को, बट कोई नहीं, आज बहुत थकान हो रही है, नींद पूरी करनी है। ठीक है जी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका, ओके जी, टाटा बाय बाय।